पाकिस्तान में 2007 में या 8 में गालबन आया था, 7 में 2007 में, और विद द हेल्प ऑफ नेस्ले उन्होंने ये थोड़ा सा उठाया था बीड़ा, और लोगों को 10-20 एनिमल दिए थे, और वो एक नया एक्सपीरियंस था जिसके बेस पर आज हम यहाँ पर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा उस वक्त उसके बाद फिर 2009 में पहला हमारा कॉरपोरेट फार्म लगा जिसने लोगों की आंखें खोली, वरना इससे पहले 10-11 लीटर को ही हम समझते थे जी दैट इज़ एनफ, इससे ज़्यादा दूध पाकिस्तान में नहीं आ सकता। लेकिन पहला कॉरपोरेट फार्म पता नहीं शायद सैफायर लगाए या एंग्रो सैफायर, सैफायर ने, और ये बहुत बड़ी एक हकीकत है कि जो हमारे कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान की डेयरी डेवलपमेंट में, इंक्लूडिंग नेस्ले एज वेल एज एंग्रो एंड ऑल अदर, क्योंकि एंग्रो ने भी उसी के साथ ही काम शुरू कर दिया था। और उस टाइम पर जो ब्रेक इवन था डेट वॉज कोई 13-14 लीटर के ऊपर ब्रेक इवन आ जाता था, 13-14 लीटर के ऊपर ब्रेक इवन आता था, और उस वक्त गाय 18-20 लीटर उस वक्त भी दूध दे देती थी एवरेज। तो क्या हुआ कि एक बड़ा अच्छा वो और प्राइस अच्छी मिल रही थी, तो एक बड़ा अच्छा लोगों को रिटर्न नज़र आया और लोग एकदम इसमें मशरूम ग्रोथ में आ गए और धड़ाधड़ फार्म लगने शुरू हुए, और तकरीबन 450-550 फार्म लग गया हमारे मुल्क में ओपन एनवायरनमेंट का। तो आज फॉर बेटर रिटर्न्स इम्प्रूवमेंट इज बोथ हाउसिंग एनवायरनमेंट एंड जेनेटिक्स इज नीडेड। सम मॉडर्न डेयरी फार्म्स आर एंजॉयिंग एवरेज डेली मिल्क प्रोडक्शन 30+ लीटर। ये इसके जिन लोगों ने शायद देखे हुए हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो लगे हुए हैं वो देखे हुए हैं? थोड़ा बहुत तकरीबन ऑलमोस्ट ओनली 30-40% है। तो मैं एट द एंड आप लोगों को जो 10-12 लगे हुए हैं बेशक उनमें बहुत सारी कमियां हैं लेकिन वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन एट द एंड जो हमारा मोस्ट रीसेंट है उसके जमाल चीमा साहब देखें ना, मोस्ट रीसेंट वर्जन जो है वो चीमा फार्म्स है, उनके चीमा साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी आके आपको अपने तजर्बात बताएंगे एट द एंड। आगे